डार्क टाइम्स न्यूज़, सच का साथ का साथ। डार्क टाइम न्यूज़ सच का साथी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के जनपद कुशीनगर में विकास खंड खड्डा के अंतर्गत जूनियर हाई स्कूल सोहरावना के प्रधानाचार्य द्वारा कीमती हरे शीशम का पेड़ कटवाने का मामला प्रकाश में आया है। जी हां, खबर के अनुसार एबीएसए खड्डा शिव कुमार मौर्य ने दल बल के साथ विद्यालय परिसर में जाकर कीमती पेड़ बिना अनुमति लिए बगैर कटवा जाने से नाराजगी दिखाई है। प्रधानाचार्य और अध्यापक पर मनमानी पद का दुरुपयोग करने की भी बात कही, तो वहीं अध्यापक शिवपूजन ने हरा पेड़ काटे जाने के बात पर कहा कि हमने एबीएसए खड्डा को इसकी सूचना पूर्व में बताए जाने की बात कही तथा अधिकारी इसी तरह हमें परेशान करते रहते हैं, ये भी बात उन्होंने बताया, जिससे मामला भ्रष्टाचार के तरफ इशारा कर रहा है। अब तो जांच होने पर ही खुलासा होगा कि दोषी कौन है और कार्रवाई क्या होगी। उक्त जूनियर हाई स्कूल की जांच की जाए तो मामला और खुलकर सामने आएगा। कब सूचना मिली है सर आपको? कब सूचना मिली? अच्छा, कैसे कटा है सर? मालूम नहीं है। अच्छा, इसी में तो आए हैं कि क्या है एबीएसए, आपको पता ही नहीं है? अरे कैसे पता होगा भाई, अब सूचना में तो आए हैं, अब जांच करेंगे पता चलेगा। यहाँ बच्चों का भोजन भी नहीं बनता है। अच्छा अच्छा, ठीक है, अभी तो बंद चल रहा है स्कूल एक लगभग। टीचर है नहीं, बंद चल रहा है स्कूल सर। कब से कटा है कुछ पता नहीं चला आपको? अब नहीं, कल शाम को हमको पता सूचना मिली है। परसों कटा। तो क्या होगा सर, इसमें क्या कार्रवाई करेंगे? अब हम उच्च अधिकारी को अवगत कराएंगे। डार्क टाइम न्यूज के लिए अनिरुद्ध गुप्ता की रिपोर्ट। सच का साथी, जहां खबरों का सिलसिला चलता ही रहेगा।